बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम स्पीक्स पर, जहां आज हम नज़र डालेंगे कुछ ऐसी भूता घटनाओं पर जिन्हें देखने से कमज़ोर दिल के व्यक्ति पर हेज ही करें। तो चलिए फिर सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली वीडियो आई है रुसियाना ग्लेक्टोरिया नामक नेदरलैंड्स में रहने वाली एक महिला के जानिब से, जो बताती हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर मास्ट्रिक्ट नामक शहर में एक ओल्ड अपार्टमेंट को ख़रीदा जो 1923 में बना था, और उस घर की पिछली हिस्ट्री से भी रुसियाना अनजान थी। लेकिन उस घर में रहते हुए अभी रुसियाना को एक हफ्ता भी नहीं बीता था और रुसियाना को उनके साथ किसी और के भी होने का आभास होना शुरू हो गया। उनके घर का सामान अपने आप इधर उधर मूव होने लगता और रुसियाना द्वारा दावा किया गया कि उनके घर में एक काली परछाई जैसी एंटिटी वास करती है। और अपने दावे की पुष्टि करते हुए रुसियाना ग्लेक्टोरिया ने एक दिन शुक्रवार की रात कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देखकर शायद आपके भी होश उड़ सकते हैं। थोड़ा संयम बरतिएगा। Stil. Dat is dat vieze, creepy huis keukentje. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is helemaal niet. Deze deur. आप देख सकते हैं कि एक भारी भरकम स्लाइडिंग डोर अपने आप मूव होने लगता है। अकेली रुसियाना के लिए यह सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी टेरिफाइंग थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी धैर्य से काम लिया। उनकी किचन की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती और रुसियाना द्वारा किचन को चेक करते वक्त वहां किसी की भी मौजूदगी रुसियाना ने दर्ज नहीं की। लेकिन अब जो रुसियाना कैप्चर करने वाली थी, उसने यकीनन रुसियाना का पूरा शरीर ठंडा कर दिया होगा। दोस्तों, क्या आपने देखा कि वही काली परछाई जिसके होने का दावा रुसियाना कर रही थी, उसे कैप्चर कर पाने में रुसियाना सफल रहती हैं। लेकिन इन सब से डील कर पाना यकीनन अकेली रुसियाना के लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, रुसियाना के घर में पैरानॉर्मल चीज़ों का घटित होना और रुसियाना द्वारा काली परछाई जैसी एंटिटी को कैमरे पर कैद कर पाना, क्या वाकई कोई मजाक था या फिर यह कोई रियल घोस्ट एनकाउंटर था? तय खुद कर लीजिए। दोस्तों, हमारी दूसरी वीडियो फीचर करती है बोलीविया के एक कपल जॉश वेनेट्जीपोर और उनकी पत्नी मार्सिया द्वारा अपलोड की गई एक टिकटॉक वीडियो पर, जहां उन्होंने इस वीडियो से पहले कोई पैरानॉर्मल साइटिंग अपलोड नहीं की थी अपने टिकटॉक अकाउंट पर। वह अपनी 3.5 साल की बच्ची से रिलेटेड वीडियोस टिकटॉक पर डाला करते, लेकिन एक रात उनकी बच्ची सेरा के कमरे में बेबी मॉनिटर द्वारा कुछ ऐसा भयावह कैप्चर हुआ जो यकीनन दोनों माता पिता के लिए काफ़ी स्केरी था, क्योंकि उनकी बच्ची सेरा द्वारा उसके कमरे में किसी के होने का दावा बार बार सेरा कर रही थी। इसी से घबराकर पिता जॉश ने बच्ची के कमरे में बेबी मॉनिटर को सेटअप कर दिया और जो कुछ भी बेबी मॉनिटर ने सेरा के कमरे में उसके सोते वक्त रिकॉर्ड किया, आप खुद देख लीजिए।
दोस्तों, क्या आपने देखा कि पहले तो बच्ची सो रही थी और अचानक से बच्ची को लगा कि उसके बेड के नीचे कोई है। और जैसे ही सेरा बेड के नीचे झुककर चेक करने लगी, उसे किसी चीज़ द्वारा अंदर खींचा जाने लगा और बच्ची डर के मारे रोने लगी और अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगी, जिन्होंने उसे जल्दी से आकर वहाँ से निकाल लिया। दोस्तों, मेरी माने तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। और जिस प्रकार से यह वीडियो आगे चलती नज़र आ रही है, बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि सेरा द्वारा किसी भी प्रकार का मजाक या झूठ दिखाया जा रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सेरा के कमरे में किसी सुपर नेचुरल पावर का वास था या नहीं? मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारी आज की टॉप 3 घोस्ट एनकाउंटर की तीसरी वीडियो फीचर करती है फिलीपींस के शहर इरिगा सिटी में चल रही एक मोरेल्स नामक फैमिली पार्टी को, जहां फैमिली मेमोरीज की यादों को बरकरार रखने के लिए फैमिली के सबसे छोटे सदस्य होजे द्वारा कैमरा से रिकॉर्डिंग की ही जा रही थी कि उसी पल कैमरा पर कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने यकीनन पूरी फैमिली का मजा किरकिरा कर दिया होगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम इस वीडियो के साथ किसी भी प्रकार का कट नहीं लिया गया है, जो यकीनन इस वीडियो में नज़र आने वाली बच्ची जैसी दिखने वाली एंटिटी के पार्टी के दौरान मौजूद होने की पुष्टि करती है। पूरी फैमिली द्वारा इस बच्ची को जानने से इनकार किया गया, जो एक पल के लिए तो नज़र आई लेकिन गई कहाँ पता नहीं लग पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यह बच्ची जैसी दिखने वाली एंटिटी कोई भटकती रूह थी या फिर फैमिली द्वारा किया गया कोई मजाक? तय आपको करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन और क्रीपी कंटेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि डर सब में बना रहना चाहिए।